दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार में बुजुर्ग विजय कुमार मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक लड़की को गिरफ्तार किया है। ये वही लड़की है जो वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरे में समाचार अपार्टमेंट से बाहर निकलती हुई दिखी थी। पुलिस के मुताबिक लड़की ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक विजय कुमार इसे 2 साल से ब्लैकमेल कर इसका यौन शोषण कर रहा था। परिवार वालों की गैर मौजूदगी में विजय कुमार लड़की को अपने घर बुलाता था। लड़की के मुताबिक वो नौकरी के सिलसिले में 2 साल पहले विजय कुमार से मिली थी और उसके बाद 7 बार वो उसके घर आई थी। लड़की यूपी के बस्ती की रहने वाली है और दिल्ली में पालम विहार में रहती थी। इसको नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया गया था और इसके सर्टिफिकेट वगैरह की जाँच करने के बाद इसको कहा कि तुम्हें नौकरी दिला दी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इसी के लिए वो बार बार बुलाता था। दिल्ली की एक कोर्ट ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट केस में गिरफ्तार पीके सान्याल की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। पुलिस ने सान्याल को शनिवार को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने बताया कि सान्याल से अभी और पूछताछ किए जाने की जरूरत है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सान्याल को 26 जुलाई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। इस बीच सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड रिटायर्ड कर्नल अजय अहलावत को भी पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन कर्नल अहलावत शनिवार को पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से हुए बच्चे की मौत मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बाहरी दिल्ली के बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड के ग्राउंड में सब स्टेशन के निर्माण के लिए लंबे से गड्ढे खोदे गए थे। बारिश की वजह से उन गड्ढों में पानी भर गया था। इसी ग्राउंड में पिछले दिनों पतंग पकड़ने के दौरान 9 साल के जस्टिन की डूबने से मौत हो गई थी। निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढों के आसपास ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया था। जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने इलाके के डीएम को जांच कर 27 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है। कांवड़ यात्रा की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आज से 1 अगस्त तक के लिए दिल्ली से मेरठ हरिद्वार जाने वाली गाड़ियों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए वजीराबाद शाहदरा की ओर से जीटी रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। ट्रकों और दूसरी बड़ी गाड़ियों को जीटी करनाल रोड से लोनी रोड और आउटर रिंग रोड होते हुए NH24 पर डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से दिल्ली गाजियाबाद के अप्सरा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम हो सकता है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के लॉन्च में देरी हो सकती है। 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन मुकुंदपुर से शिव विहार को जोड़ेगी, लेकिन अगले साल अगस्त से पहले इस लाइन के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के आसार कम ही दिख रहे हैं, जबकि इसकी डेडलाइन इसी साल दिसंबर तय की गई थी। पूर्वी दिल्ली में 2 जगहों विनोद नगर और विनोद नगर ईस्ट और आईपी एक्सटेंशन और विनोद नगर मेट्रो डिपो के बीच लिंक कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी है। देरी की वजह से DMRC को कम से कम 8 करोड़ रुपए का बोझ सहन करना पड़ेगा। मुंबई में पिछले 3 दिनों में लोकल ट्रेन से कटकर 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। 21 जुलाई को 15 लोग ट्रेन से हुए हादसे में मारे गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। 22 जुलाई को 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हुए। सभी हादसे ट्रैक पार करते वक्त या फिर ट्रेन से गिरने की वजह से हुए हैं। मुंबई में लोकल की वेस्टर्न रूट पर बोरीवली से भयंदर के बीच आज 4 घंटे का जंबो ब्लॉक रहेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अप लाइन पर स्लो लोकल बसई से बोरीवली के बीच फास्ट लाइन पर चलेगी। इसी तरह डाउन लाइन पर सभी धीमी लोकल ट्रेनें गोरेगांव से बसई तक फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। वेस्टर्न रेलवे ने ट्रैक सिग्नल सिस्टम और ओवरहेड वायर्स की मरम्मत के लिए जंबो ब्लॉक किया है। भले ही पोकेमॉन गो भारत में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई में अभी से इसके विरोध और समर्थन का सिलसिला शुरू हो गया है। चर्च गेट पर गेम के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने शनिवार को मार्च निकाला। लोगों की दलील है कि ये गेम खेलने के लिए लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। आपको बता दें कि पोकेमॉन गेम 5 जुलाई को लॉन्च हुआ है और सिर्फ 18 दिनों में 35 देशों के 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि कई देशों में इसे बैन भी कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर विवादों में घिरते दिख रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में सलमान खान ने अपने 2 पपीज माई जान और माई सन के प्लैक लगवा दिए हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। BMC का कहना है कि अभी उसे मामले की जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई में कहीं भी सड़कों के किनारे प्लैक या व्हील बोर्ड लगवाने के लिए BMC की इजाजत जरूरी है। विवादों को लेकर जी न्यूज ने जब सलमान के पिता सलीम खान से सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मुंबई में NCP ने इन दिनों सड़कों पर बने गड्ढों के विरोध में BMC के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। NCP के कार्यकर्ता शहर भर में घूमकर सड़कों के गड्ढे ढूंढ रहे हैं और उन सड़कों का नाम मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर रख रहे हैं। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं ने बांद्रा में महाराष्ट्र नगर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का नाम मेयर स्नेहल अम्बेकर और डिप्टी मेयर अलका केलकर के नाम पर रखा है और वहां इनके नाम की पट्टी लगा दी है।